अगर आप भी भगवान के नामों वाले कपड़े पहनते हैं तो हो जाए सावधान, इसे आप पाप के भागीदार भी बन सकते हो और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा ही हुआ वृंदावन में, जब एक युवक महाराज जी के पास राधा राधा नाम वाले वस्त्र पहनकर पहुंच गया। उसके बाद जब महाराज जी का ध्यान गया तो उन्होंने पूछा, क्या राधा राधा लिखा हुआ है क्या वस्त्र पर? क्या राधा राधा लिखा गया तुम्हारे वस्त्र में? युवक बोला, हाँ महाराज। फिर महाराज जी ने जो कहा वो बताते हैं आपको। महाराज जी ने कहा कि यह ठीक बात नहीं है ऐसे वस्त्र पहनना, ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, अगर इसे बाथरूम में धोगे तो अपराध बनेगा। उन्होंने कहा कि जहां हम लघुशन का करते हैं, जहां आप स्नान करते हो, वहां इस वस्त्र को भी धोगे तो फिर पाप के भागीदारी बनोगे। इसे अगर बाथरूम में धोगे तो अपराध बनेगा। नाम लिखा है इसको, हम सिंहासन में विराजमान करते हैं, इसको हम हृदय में धारण, जैसे राधा नाम है ना, शौच स्नान के समय इसको अपने सिरहाने ऊपर से आसन रख के तब विराजमान आराध्य देव। कभी आप इसे धोएंगे ना बाथरूम में, धोएंगे ना तो जहां हम लघु शंका करते हैं, जहां हमारे स्नान का जगह, वहां जाएगा ना। उन्होंने कहा कि जो लोग नहीं जानते, ये उनके लिए बता रहा हूँ कि अगर कोई भी भगवान के नाम के वस्त्र पहनते हो तो उसे सही जगह रखे, सही जगह धोए। उन्होंने कहा कि मना नहीं है पहनना, पर इन सब बातों का ध्यान रखें। इसलिए जो लोग नहीं जानते उस निमित्त से हम टोक कर बोले कि कोई भी नाम जिस वस्त्र में लिखा हो, या तो उसे आसन पे विराजमान कर लो, सिराने रख लो, पर उसका इस तरह जैसे प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग निषेध नहीं है,